तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ओल्ड ब्लॉक की ताजा तरीन अपडेट शेयर करूंगा। वो पानी जो के पीछे वाले इलाके साइमा की तरफ से छोड़ दिया जाता था बारिश का, और रेले की शक्ल में ओल्ड ब्लॉक से होता हुआ सीधा आबादी में से गुजरता था, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी थी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ओल्ड ब्लॉक की ताजा तरीन अपडेट शेयर करूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शानदार सा स्कूल तकरीबन तैयार हो चुका है, और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में इसमें पढ़ाई का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। ओल्ड ब्लॉक पे शानदार तरीके से मस्जिद मौजूद हैं, पार्क्स मौजूद हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा ओल्ड ब्लॉक की एक इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की जाए, अपडेट के हवाले से बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से वो पानी जो कि पीछे वाले इलाके साइमा की तरफ से छोड़ दिया जाता था बारिश का, और रेले की शक्ल में ओल्ड ब्लॉक से होता हुआ सीधा आबादी में से गुजरता था, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो उस पर काम हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े पाइप्स जो हैं सेवरेज के वो लगाए जा रहे हैं, जो कि थोड़े सा आगे मौजूद है। हम अभी वहाँ पर चलते हैं और चल के आपके साथ शेयर करते हैं कि वो काम का मरहला कहाँ तक पहुँचा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको जब ये काम शुरू हुआ था तो आपके साथ शेयर किया था। ओल्ड ब्लॉक के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत से मकानात बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त सी आबादी है, और बहुत पुरानी जो नॉट टाउन रेसिडेंसी फेज़ वन का पूरा कवर्ड एरिया है उसमें बहुत पुराना आबाद हो चुका है। ये ओल्ड ब्लॉक तकरीबन 99% ये कंप्लीट हो चुका है। तो चले चल के आपके लिए शेयर करते हैं सेवरेज का या पानी की निकासी का एक सिस्टम बाकायदा तौर पे काम हो रहा है, वो आपके लिए शेयर करता हूँ। आ जाना सर। ये वो जगह है व्यूअर्स जिसके बारे में मैंने अभी इंट्रो में आपसे जिक्र किया था कि जो साइमा वाले पोर्शन से पानी का बहुत बड़ा रेला बारिश के दिनों में यह नॉट टाउन रेसिडेंसी फेज़ वन ओल्ड ब्लॉक से होता हुआ मेंटेनेंस के आगे वाले रोड पे निकलता था, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस थी। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो सीवरेज के पाइप हैं वो लगाए गए हैं, ताकि जो वहाँ से बड़ा रेला नॉट टाउन रेजिडेंसी में दाखिल होता था उसकी बचत की जा सके, उसको प्रॉपर तरीके से इन पाइपों के ज़रिए बाहर निकल जाए। ये एक छोटा काम नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपके लिए जब यहाँ पर काम शुरू हुआ था तब वीडियो आपके साथ शेयर की थी। ओल्ड ब्लॉक बहुत पहले से आबाद है, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 99% लोगों ने अपने मकानात बना लिए हैं। यहाँ पर जो मस्जिद है जावेद रहमानी वो भी बहुत शानदार सी है, वो भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी और अंदर से भी एक्सप्लोर किया था। व्यूअर्स, यहाँ पर जो पार्क्स है उसकी भी खूबसूरती बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत पार्क बनाया है आर्टिस्ट ने, बहुत खूबसूरत तरीके से उस पर डिज़ाइन भी किया है। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ वन में जहाँ डेवलपमेंट के काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, वहीं जो लोगों के लिए मुश्किलात का सामान पैदा करते हैं उन चीज़ों पे भी बहुत नज़र रखी हुई है। जेफिस बिल्डर्स ने हमेशा से अपने रहने वालों के लिए या अपने लॉटरीज़ के लिए हमेशा उन चीज़ों को बहुत मलूज़ खातिर रखा है, जिससे उनको परेशानी हो उन चीज़ों को रिमूव किया है और कोशिश की है कि किसी किस्म की प्रॉब्लम का वो शिकार ना हो। तो ये एक अपडेट थी ओल्ड ब्लॉक के हवाले से जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह ताला ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा या कंप्लीट के मराहिल में दाखिल होगा तब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। अपने होस्ट फजल रजा इस्पानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।